तो मैं हूं सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। आज हम खड़े बैल्स के सामने, बैलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे सामने है फैल्कन। ठीक है, जितना प्यारा इसका नाम है उतनी ही प्यारी इसकी आप देख सकते हो लुक है यार, मतलब आउटस्टैंडिंग। सामने से आप देखोगे ना तो आपको जितना प्यारा इसका नाम लग रहा है ना, उतनी प्यारी इसमें DRLs दी हुई हैं। ठीक है, उतने ही प्यारे इसमें LED लाइट सेटअप है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी व्हीकल आजकल आ रहे हैं मार्केट में, उनसे जो नॉर्मल व्हीकल है ना, नॉर्मल बाइक, उनको सीखना चाहिए मार्केट में कि यार सभी जितने भी व्हीकल है उनमें LED सेटअप दिया हुआ है, ताकि एक बेटर जो आपको ब्राइटनेस है रोड पे, विजन आपको दिख सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मैं मानता हूँ कि जो ये पहल है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देख पाओगे रोड्स को, जिस हिसाब से इंडिया के रोड्स हैं उस हिसाब से आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट में, आपको जो हेड पे आपको DRLs मिलते, इतने प्यारे लुकिंग है, और आई थिंक ये इंडिकेटर पे भी वर्क करते हैं। मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ इसका, यहाँ से इसका इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो लुक निकल के आ रही है ना, अगर आप इसको नाइट के टाइम पे देखोगे ना, तो ये जो लुक आपको दिखाई देगी, आपको यकीन नहीं होगा कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं। तो आज के टाइम में जो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ में, तो आपको इतने अच्छे फंक्शंस मिल रहे हैं जो आपको नॉर्मली किसी भी आप बाइक में, अगर आप 1 लाख रुपये तक की बाइक लेने जाते हो ना, तो उसमें भी आपको नहीं मिलेंगे ये सब चीज़ें। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर के ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये पूरा LED सेटअप है, देख सकते हैं आप, LED बल्ब है, और यहाँ पे आपको सेफ्टी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है और ना होगा। आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, 10 इंची का रिम मिलता है, आपको एल्युमिनियम के अलॉय मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी सेफ्टी पर्पज़ से इसको और काफ़ी स्मूथ बनाती है, इसकी राइड को अच्छी बनाती है। एंड साथ में आपको मिलेंगे टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर, जो कि इसकी जो ब्रांडिंग है और जो इसकी राइड क्वालिटी है, ताकि आप शॉक, आप किसी डिफिकल्ट रोड पे भी जाते हो ऑफ रोड पे, तो आपको कभी भी जर्क महसूस नहीं होंगे। और ये आपको हल्की सी लाइट की होजिंग दिख रही है, ये DRLs हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो पूरा आगे से सिल्वर में आपको कवर कर रखा है, आप इसको इसका हेड या फेस भी बोल सकते हैं, काफ़ी सॉलिड है। आप देख रहे हैं कि अगर आपको कहीं इंजर्ड या, पहली बात तो नहीं होना चाहिए, गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो एक बात अगर माने कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ठीक चीज़ दे रखी है। और आप ये देख रहे हैं ना कि इसका स्पेस इतना ज़्यादा है कि आप इजीली 1 या 2 बैग कैरी करके इजीली राइड कर सकते हैं यार इसमें ना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड सबसे अच्छी चीज़ आपने ना एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी या कर रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी की है और इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म है। ठीक है, और यहाँ से आपको इसका लॉक अनलॉक, अभी मैंने लॉक कर दिया है, तो लॉक कर दिया तो आप देखोगे इसकी जो ब्रांडिंग है वो बंद हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि लॉक करने से इसके जो सर्कल है उसकी लाइट जा चुकी है। अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ, इसमें लाइट आ गई। आपको इसका पता है मेन फायदा तब मिलता है जब आप अंधेरे में अपने स्कूटर के पास खड़े हुए हैं और आपको नहीं पता आपको की कहाँ रिप्लेस करनी है, तो आपको ये दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे लाइटिंग का सोर्स है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट को हम ऑन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बैटरी का साइन है, अब यहाँ पे फ्यूल साइन दिखा हुआ है ना, तो फ्यूल ना समझे, ये बैटरी साइन है। यहाँ से आपकी बैटरी फुल दिखा रही है, ये आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपके किलोमीटर्स दिख जाएंगे, ये आपके गियर है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स इसमें मेंशन कर रखे हैं, दरअसल ये चेंज होगा, ये होते मोड्स। अभी मैंने चेंज किया, ये फर्स्ट मोड पे, फर्स्ट मोड में आपको क्या है, नॉर्मल पावर मिलेगी, सेकंड में आपको थोड़ी सी RPM बढ़ जाएंगे इसके, एंड थर्ड में एंड फोर्थ में ये उसको टॉप गियर बोल सकते हैं या टॉप स्पीड बोल सकते हैं। ये देखो, जैसे ही हम इसको एक्सेलरेट करते हैं तो इसका जो RPM मीटर है ना, वो एकदम से बैटरी किकआउट करती है और आपको हैंड टू हैंड एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये रिवर्स यार, ये इतना अच्छा स्कूटर पे मेरे को ऑप्शन दिखता है ना रिवर्स का, कि आप बैठे बैठे रिवर्स भी चला सकते हैं भाई। तो वो जमाने गए जब लड़कियाँ पैरों से रोक के उसको रिवर्स चलाती थी, शोर जोकों पे पहाड़, आप इसको सीधी खड़ी खड़ी को भी रिवर्स चला सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये इसके DRLs हैं जो कि मैंने आपको बताया, सॉरी, ये साइड इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ठीक है, देख रहे कितने प्यारे, और पीछे की तरफ भी इसमें LED सेटअप दिया हुआ है यार, कोई कंजूसी नहीं है। ठीक है, आजकल इंडिया इतना इम्प्रूव हो चुका है कि जहाँ आपको महंगी गाड़ियों में LED सेटअप नहीं मिलता ना, वो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेटअप मिलने लग गया है। और यहाँ पे आपको स्पेस रखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप अपना कपड़ा जरूर रख सकते हैं साफ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक की लगेज टाकने के लिए हुक मिलेगा, और ये आपकी हाउसिंग मिलती है पावर चार्जर के लिए।
ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे बैक सीट की तरफ। तो ये इसका हैंडल है, काफ़ी मेरे को लग रहा है काफ़ी मजबूत है। आप इस पर काफ़ी अपना लोड ले जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं जितना आप बांधना चाहे, ताकि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपका कोई लगेज बैग है उसको आप कैरी कर सकते हैं। आपको एक साइड स्टैंड मिलेगा फुट रखने के लिए, ठीक है, पीछे वाले पैसेंजर के लिए। आपको कोइल स्प्रिंग एब्जॉर्बर्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं अपने सेगमेंट में। और ये था इसका ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन था वो। अब हम बात करते हैं इसके मोटर्स के बारे में। इसमें आपको मिलती है 250 वाट की 250 वाट और 60 हॉर्स पावर यानी कि ब्रूसलेस मोटर मिलती है। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 24Ah लाइलोन की इसमें बैटरी डली हुई है 60V/28Ah। तो ये सारे इसके बैटरी के स्पेसिफिकेशंस थे। इसमें चार्जर जो आपको मिलता है 3.8 VRLA या 6A लाइलोन के लिए, जो कि आप इजीली इसको 3 से 4 घंटे में चार्ज कर सकते हो। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो आपको मिलती है 25 KMPH की है। तो अगर आप एक अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए या घर पे हाउसवाइफ के लिए या ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा स्कूटर देखना चाहते हैं जो लाइट वेट में हो, लाइट कैरी हो, उसका मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो, खर्चे को तो यार ना के बराबर, आपको बस एक इंस्टॉलमेंट में खरीदना है, उसके बाद इसका कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हैं फैल्कन पे। और जिसकी रेंज है एक बार चार्ज करने के बाद 7 से 65 किलोमीटर तक ये इजीली क्रूज कर सकती है। एंड सबसे बड़ी बात जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो आप 165mm का है। और साइड स्टैंड है, कट ऑफ इंजन आपका बंद हो सकता है जब आप इसको साइड पर रखते हैं। तो 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये भी नहीं है कि यार आपको सोच के चलाना पड़ेगा, भाई आप इससे अपने पूरे मजे ले सकते हो, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। बस ये बात है कि इतना भी ऑफ रोड मत कर लेना सीरियस होकर कि बेचारी इलेक्ट्रिक चल ना पाए, लेकिन जहाँ तक ये आपको निराश नहीं करेगी, इतनी अच्छी इसमें पावर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं जो कि इसके रनिंग पैटर्न को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, आपके राइड क्वालिटी को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर देते हैं। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैंने आपको दिखा दिया है, आपको कभी भी निराश नहीं करेगा कि यार क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है स्कूटी में, क्या नहीं आ रही है, ठीक है। और जो इसमें बटन्स है इसके रिमोट की का मैंने बताया कि यार वो तो लाजवाब है, आप उसको लो कर लो गाड़ी की तरह कर सकते हैं यार। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है तो आप अपने आप को किसी से कम समझोगे, भाई आप भी गाड़ी वाली पूरी फीलिंग ले रहे हो। और पीछे की तरफ जो भी है LED सेटअप बताया मैंने, आगे भी LED सेटअप बताया, तो कम्प्लीटली यार मैं सच में इस बात पर इसको हैट्स ऑफ करता हूँ कि आप इस प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा काफ़ी सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें इंटीग्रेटेड लॉकिंग सिस्टम भी है, आप इसको खड़े को लॉक भी कर सकते हो। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी इसमें दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, तो भाई चार्ज करो अपने फ़ोन को अगर कम बैटरी है, और निकल पड़ो लंबे से टूर पे, अपना चार्जर साथ रखो, आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि यार मैं काश गाड़ी ले लेता तो मैं उसमें चार्ज कर सकता था। भाई आप स्कूटर पे भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है, बस आपको ज़रूरत है अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए, आओ और फाल्कन पे ट्राई करो ना। आपको स्मार्ट की मिलती है, आपको मोबाइल चार्जिंग मिलता है, आपको एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिलता है, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी है कि यार मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अभी चलिए इसका बूट स्पेस यानी कि आपको इसकी डिग्गी दिखा देता हूँ, क्योंकि जब कार की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं तो ये वर्ड काफ़ी ठीक रहेगा कि इसका बूट स्पेस कितना है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, आप एक हेलमेट या अपना काफ़ी सामान इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता क्या, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे, उसमें जो भी बैटरी होती है ना उसकी हाउसिंग बाहर की तरफ होती है, बाहर खुली हुई रहती है, लेकिन इस स्कूटर में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बैटरी कंप्लीटली इन्होंने हाइड कर रखी है ताकि कोई भी बच्चा अगर इसमें हाथ दे या कोई भी और किसी भी तरीके की छेड़खानी कोई कर ना सके। और यहाँ पे इसका एक सेफ्टी पॉइंट से बटन दिया हुआ है, आपको इसमें MC भी गिरा सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट होता है, ठीक है। ये इसकी मैनुअल है, मैनुअलिंग इंडिया, और ये इसका चार्जर है, सॉरी ये इसके मिरर्स है और चार्जर्स हैं, ये इसकी चार्जर है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं शोरूम के ओनर से, वो थोड़ा सा आपको और मेरे से बेहतर आपके इस बारे में बता सकते हैं। तो ये हमारे साथ सर, आपका नाम श्री राम यादव जी है, तो ये इनका शोरूम है, अपने शोरूम के ऊपर एड्रेस बता दीजिए। मेरा शोरूम तो सर इसकी प्राइसिंग क्या है? इसमें कोई टैक्स वगैरह, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ?
3 साल बैटरी गारंटी है, 2.5 साल मोटर की गारंटी है। किसी भी कंडीशन में कोई भी होता है वाटर प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ बैटरी आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सर इसमें बात करें लोड कैपेसिटी कितनी ले जा सकते हैं? 150 किलो वजन तक या दो पैसेंजर आराम से जा सकते हैं, या एक बंदा ज़्यादा अपने साथ वजन कैरी करके जा सकता है? सर इसमें अगर जैसे कोई EMI लेना चाहे तो उसकी फैसिलिटी लोन पे, तो सर उसमें इंटरेस्ट क्या लगता है गवर्नमेंट के कुछ रूल्स की बात करें? इंटरेस्ट रेट होगा, IR मेंशन करते हैं हम इसकी क्या है, उस हिसाब से बिजली अवेलेबल कर देते हैं। सर सर्विस की बात करें तो सर्विस में क्या है? 3 सर्विस इसकी फ्री है। अभी तक आपने कितने स्कूटर भेजे उसमें से आपको कोई कंप्लेंट देगा सर? काफ़ी लंबा काम कर रखा है सर ने। तो सर क्या कहना चाहोगे कि आप दूसरे जो स्कूटर मिलते हैं बाजार में और एक अपना फाल्कन है, तो क्या कहोगे कि मेन फाल्कन पे क्यों आए? फाल्कन पे इसलिए आते हैं, ये 3 पॉइंट चाहिए और लिथियम आयन बैटरी है इंजन, और लिथियम में भी NAP दो प्रकार की बैटरियाँ होती है। ये कंपनी NAP में काम कर रही है, जो आग लगने का कोई खतरा नहीं होता, हर तरीके से सेफ है। क्योंकि यही बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं यार इलेक्ट्रिक की बाइक है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए कुछ हो जाए। बैटरी जो है वो NAP में होती है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, इस वजह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी मतलब अंडर लाख रुपए में अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा खासा स्कूटर, हाँ जो बिना खर्चे का जा सकते हैं और अच्छे खासे फीचर्स भी है, लाइट भी अच्छा है, तो आप ये पालन भी तक जा सकते हैं। सर अपना शोरूम मेन रोड पे, सर्कुलर रोड पे आजाद रोड के पास। तो जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये फैलकन कोई लेना चाहते हैं, अपनी बनाना चाहते हैं, तो शोरूम पे आए और अपनी डील क्रैक करें। वीडियो कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।